नमस्कार, दिस इज नीरज तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर द पीपल हु आर लुकिंग टू बाय अ हाई राइज ऊबर लग्जरी प्रोजेक्ट फॉर देमसेल्फ व्हिच हैज द यूएसपीज ऑफ ऑल द हाई एंड लग्जरी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव। लेट इट बी कमेलियाज, लेट इट बी डीएलएफ क्रेस्ट, महिंद्रा लुमिनार। सो दिस प्रोजेक्ट इज हैविंग द यूएसपी प्लस पॉइंट। जितने भी लग्जरी प्रोजेक्ट के हैं वो सारे प्लस पॉइंट्स को इस प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करके इस प्रोजेक्ट का कंसेप्ट डेवलप किया गया है। द प्रोजेक्ट इज द एस्पन बाय वाइट लैंड दैट इज कमिंग अप इन सेक्टर 76 गुरुग्राम नियर एसपीआर। एज वी ऑल नो दैट एसपीआर इज द लेटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ गुड़गांव, रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। वी ऑल नो द रेलिवेंस ऑफ एसपीआर एज ऑन डेट बिकॉज एसपीआर इज अ कंप्लीट मिक्स ऑफ हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, योर कमर्शियल, योर ऑफिस स्पेसेस। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर ऑफ द ब्रांड कॉल्ड वाइट लैंड। Those who don't know about White Land, let me tell you that people behind White Land are the pioneers in real estate industry for last 10 years. Earlier, they were working as channel partners for all the leading developers of Gurgaon, and in fact, they have always been the among the top performer. So, आज की डेट में अराउंड 25,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन White Land ने कर रखी है। अगर 25,000 ट्रांजेक्शन White Land ने कर रखी है तो that means कम से कम 40 से 45,000 बायर्स से इनका कनेक्शन रहा होगा, तो जाके 25,000 के आसपास ट्रांजेक्शन हुई होगी। तो जो अपनी जो इंटरेक्शन थी इनकी बायर्स के साथ, उससे जो भी एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया, दैट मीन्स हमें पता है कि हर सेगमेंट का जो बायर होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो एक टिकट साइज के बायर को एक प्रोजेक्ट में क्या क्या चाहिए होता है, वो एक्सपीरियंस गेन करके उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट में वो एक्सपीरियंस गेन किया है कि किस प्राइस में बायर को क्या चाहिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट इन्होंने एक एससीओ लॉन्च किया था सेक्टर 71 में बाय नेम ऑफ अर्बन क्यूब्स, जो कि अपने पोजेशन टाइम से 6 मंथ्स अहेड चल रहा है। दैट मीन्स जो टाइमलाइन दी गई थी पोजेशन की, वो 6 महीने पहले ही पोजेशन में प्रोजेक्ट आएगा। सेकंड प्रोजेक्ट इन्होंने एक लो राइज डेवलपमेंट लॉन्च की थी अगेन इन सेक्टर 76 बाय नेम ऑफ ब्लिसविले, जिसका लैंड इवैक्यूएशन चालू हो चुका है। इनका थर्ड प्रोजेक्ट है जो कि एक हाई राइज हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट है। तो जितने भी गुड़गांव के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो कमेलियाज हो, अरालियाज हो, आपका डीएलएफ द क्रेस्ट हो, चाहे महिंद्रा ल्यूमिनर हो, इन सब प्रोजेक्ट की अपनी अपनी यूएसपी थी, चाहे वो स्पेस था, चाहे वो इनके क्लब्स थे, चाहे वो इनका लैंडस्केपिंग थी, वो सारे यूएसपी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करते हुए प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं। पहले ही आईजीबीसी गोल्ड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट डिक्लेयर हो चुका है, इसका सर्टिफिकेट आ चुका है। इफ यू टॉक अबाउट द लोकेशन, लोकेशन इज सेक्टर 76 विच इज हार्डली 5 मिनट्स फ्रॉम एसपीआर, हार्डली 2 to 3 मिनट्स फ्रॉम नेशनल हाईवे 8। तो आज की डेट में इस प्रोजेक्ट की दो तरह से एंट्री एग्जिट है, एक एसपीआर से और एक नेशनल हाईवे 8 से। एसपीआर, वी ऑल नो दैट एसपीआर इज इमर्जिंग एज द अनदर ग्रोथ कॉरिडोर ऑफ गुड़गांव विच हैज अ कंप्लीट मिक्स ऑफ योर स्टूडियो अपार्टमेंट्स, योर हाई एंड रिटेल्स, योर ऑफिस स्पेसेस। एसपीआर कनेक्ट्स यू विद ऑल पार्ट्स ऑफ गुड़गांव, लाइक फ्रॉम वाटिका चौक यू कैन गो टू राजीव चौक, ओल्ड गुड़गांव, गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन से होते हो आप गोल्ड कोस्ट चले जाते हो, गोल्ड कोस्ट रोड चले जाते हो, सोना आप चले जाते हो। अगर हम नेशनल हाईवे 8 की तरफ जाएं तो क्लोवरली फ्लाईओवर से आप द्वारका एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, न्यू गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर, इन सारी लोकेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। फ्यूचर में जब क्लोवरली फ्लाईओवर ऑपरेशनल हो जाएगा तो एसपीआर एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा कनेक्टिविटी के मामले में। डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स, जो कि कंप्लीट ऑफिस स्पेसेस हैं, आज की डेट में अराउंड 60-70% की उसमें ऑक्यूपेंसी है, सारे ऑफिसेज हैं वहाँ पे। अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस बन के तैयार खड़ा हुआ है, विद इन 3 to 4 मंथ्स आई बिलीव जितने भी ऑपरेशन अमेरिकन एक्सप्रेस के होंगे वो इसी कैंपस से होंगे। डीएलएफ साइबर सिटी 2 यहाँ बनना शुरू हो चुका है, जिसकी कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है। तो फ्यूचर में अगर आप देखेंगे जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स विल बी प्लेस्ड इन दीज सेक्टर्स। नाउ लेट्स कम टू द प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इज स्प्रेड अक्रॉस 17.5 acres एंड देयर विल बी ओनली 8 towers wherein you will be getting 2 apartments to a core. That means एक फ्लोर पे सिर्फ 2 apartments होंगे और हर टावर में there will be 4 elevators, 3 for the passenger, 1 will be the service lift. There will be no vehicular movement allowed at the surface. पूरे प्रोजेक्ट में मेन एम्फेसिस जो दिया गया है वो ग्रीन एरिया में और आपकी amenities और लग्जरी में दिया गया है। तो there will be 80% open and green area in this project. इट विल बी ए लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। तो अगर मैं डेंसिटी वाइज कैलकुलेशन करूँ तो हार्डली 40 से 45 families पर एकड़ में आएंगी इस प्रोजेक्ट में, विच इज रियली अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। देर विल बी 3 अल्ट्रा लग्जरी क्लब हाउसेज स्प्रेड अक्रॉस 1 lakh square feet ऑफ एरिया।
out of which there will be one sunken club. That means at surface there will be a swimming pool, then comes your amenities. If you talk about the amenities of the club, there will be all the amenities in this club you can think of. Here you will be having multi-cuisine restaurants, your bar and pub, your mini theater, all the indoor games, your cricket pitch, your volleyball court, your basketball court, your tennis court. I mean, all the amenities you can think of, you will be getting in this project. Parking, there will be -3 level basement parking in this project. Like I said, there will be no vehicular movement allowed. So all the car parks will be in the basement. That is up to -3 level. Principal architect of this project is Padma Bhushan Shri Hafiz Contractor Ji, jo ki DLF ke sare luxury project ka design karte hain. Landscaping has been done by Oracle Landscape, jo ki Gurgaon ke jitne bhi luxury project hain, sabki landscaping Oracle Landscape ne ki hui hai. Like I said, this project is already IGBC Gold Certified project. Pure project mein 3 bedroom aur 4 bedroom ki option available hai. 4 bedroom mein bhi aapko duplex ki bhi option available hai, jo ki bahut rare aapko Gurgaon mein kisi project mein milengi. जो 3 BHK का साइज है वो है 2937 स्क्वायर फीट, 4 बेडरूम का साइज है 3690 स्क्वायर फीट, 4500 स्क्वायर फीट. जो 4 बेडरूम में डुप्ले अपार्टमेंट्स हैं उनके साइज है 7582 स्क्वायर फीट. ऑल योर अपार्टमेंट्स कम्स विद योर सर्वेंट रूम विद VRV एयर कंडीशनिंग इन द एंटायर हाउस, योर इटालियन मार्बल इन द एंटायर हाउस इंक्लूडिंग योर मास्टर बेडरूम. You will be getting such beautiful layout wherein there is a maximum utilization of the space. Agar main 4 bedroom ki apartments ki baat karun, there will be 2 master bedroom in a 4 bedroom unit with walk-in closet. There will be 4 balconies in all the apartments, 2 L-shaped balconies in your master bedrooms. One balcony will be connecting your living area and 2 bedrooms. One balcony will be with kitchen and servant room. Each unit will be having a view of Aravali Hills as well as city facing units. Sample apartment is ready as on date at the site, but due to privacy reasons we cannot show that sample apartment in this video. But let me assure you, agar aap ek bar sample apartment dekhenge, you will really like it. If you talk about the pricing and payment plan, the pricing is 13,900 rupees per square feet. There is an additional discount of 400 rupees per square feet called TPR. Agar timely payment aap developer ko dete hain, to 400 rupees aapke price mein se माइनस हो जाएगा. रेस्ट इज कंस्ट्रक्शन लिंक. तो बेसिकली 9% यू विल बी पेइंग एट द टाइम ऑफ बुकिंग, 11% यू विल बी कंप्लीटिंग इन 75 डेज, रेस्ट यू विल बी पेइंग डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन. ये प्रोजेक्ट आज की डेट में एक एंड यूजर और एक इन्वेस्टर दोनों के लिए बहुत एप्ट प्रोजेक्ट है. रीजन बीइंग, सॉफ्ट लॉन्च में जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में यूनिट बाय की थी, आज कम से कम 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट की एप्रिसिएशन में बैठे हुए हैं. सो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, यू वॉन्ट टू विजिट द सैम्पल फ्लैट, यू मे कनेक्ट विद अस ऑन द नंबर गिवन ऑन स्क्रीन. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप लिंक दिए गए हैं. वी विल अरेंज अ साइट विजिट फॉर यू. फॉर बेस्ट प्राइस एंड ऑफर्स यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस. थैंक यू सो मच एंड सी यू एट द साइट. तो फ्रेंड्स, इस समय हम खड़े हैं SPR रोड पे. सामने ये जो रोड देख रहे हैं, ये आपको वाटिका चौक की तरफ ले जाती है. वहीं से आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन गोल्फ कोर्स रोड को कनेक्ट कर सकते हैं. राइट हैंड साइड में आप सोना जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप राजीव चौक और सुभाष चौक की तरफ जा सकते हैं. और इसी रोड पर ही आपके हाई एंड ऑफिसेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, स्टूडियो अपार्टमेंट्स और आपके काफ़ी कमर्शियल मॉल्स हैं. और इस तरफ आप देखेंगे, ये जो रोड जा रही है ये आपको कनेक्ट करती है ग्लोबली फ्लाईओवर से, जो कि NH-8 है. यहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव जा सकते हैं. और राइट में आप दिल्ली की तरफ, लेफ्ट में आप जयपुर की तरफ जा सकते हैं. और यहीं से अब हम देखें हमारे बिल्कुल बैक साइड में जो रोड है, तो ये जो रोड आप देख रहे हैं इसे SPR एक्सटेंशन रोड कहते हैं. और आजकल इस रोड को एज ए शॉर्टकट यूज़ किया जाता है टोल क्रॉस करने के लिए, जो आपको सीधा नेशनल हाईवे 8 से कनेक्ट करती है. और जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उससे इस रोड की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है. जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का कॉर्पोरेट ऑफिस बन के तैयार हो रहा है. तो जितने भी अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस हैं उसका ऑपरेशनल यहाँ से होगा. इसके बिल्कुल साथ में DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स है. DLF साइबर पार्क 2 का कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट हो चुका है. एज पर मास्टर प्लान ये सारा कमर्शियल एरिया है, तो इन फ्यूचर आप यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह देखेंगे. तो आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं यहाँ पे 25,000 से 30,000 आपको कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ यहाँ पे देखेंगे. और इस पूरे लोकेशंस के प्राइसिंग अप्रिशिएट और करने वाले हैं. तो ये सीधी रोड से अब हम चलने वाले अपने प्रोजेक्ट की तरफ. तो चलिए एक बार प्रोजेक्ट पर चल के देख लेते हैं.
तो फ्रेंड XPR एक्सटेंशन रोड से राइट में 76 सेक्टर के लिए हमने टर्न लिया है और अब इस रोड से हम जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। और ये रोड जो सीधा है जो NH8 से कनेक्ट होती है, हल्दीराम का जो शोरूम है NH8 पर उससे कनेक्ट होती है और खिड़कीदोला जो टोल है उसके पास निकलती है। ये हमारे प्रोजेक्ट में एंट्री हो रही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप देखें वाइट लैंड द स्पेन की ऑलरेडी ब्रांडिंग हो चुकी है। और अब हम सीधा चलते हैं, ये आप देखते हैं, ये आप देखें वाइट लैंड की बहुत ही खूबसूरत साइट है। और इसी साइट पे हमारा हाई रेज द एस्पेन जो आने वाला है। तो कमाल की लोकेशन है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है, अरावलीज का व्यू है। और ये हमारा क्लब हाउस या एक सैंपल जो हमारा यहाँ पे जो तैयार है सैंपल, तो उसके आसपास की ग्रीनरी है। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यही मेन लोकेशंस होने वाली है जहाँ पे हमारे हाई रेजेज आने वाले हैं। ये कमाल की लैंडस्केपिंग आपको देखने को मिलेगी पूरे प्रोजेक्ट में। और ये जो साइट आप देख रहे हैं इस पूरे साइट पे हमारे 8 टावर्स जो हाई रेज के आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया सिक्योरिटी रीज़न के चलते अब वीडियो तो आपको सैम्पल फ्लैट की नहीं दिखा सकते, लेकिन जब आप आएंगे तो कुछ एक्चुअल पिक्स हैं सैम्पल्स की जो आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो आप विज़िट करें और एक्चुअल सैम्पल को एक बार ज़रूर देखें, काफ़ी खूबसूरत सैम्पल बना हुआ है। और फ्रेंड्स कोई भी क्वारी हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस पर विज़िट के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।